फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अब जब कोई मैं इस वीडियो को देख रहे हो, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एम्स का एग्जाम अब से मात्र 15 दिन रह गए हैं और एम्स का एग्जाम 26 मई को है। तो अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसर्शन रीजन का प्रैक्टिस। हमने पहले ही दो चैप्टर अपलोड कर रखा है क्लास 11th का, लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज का हमारा चैप्टर है प्लांट किंगडम, चैप्टर 3। डायरेक्शंस में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। ए के लिए ए है अगर एसर्शन रीजन दोनों सही होते हैं और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है। ऑप्शन बी, एसर्शन रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी, एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। एंड ऑप्शन डी, एसर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन। एल्गी एंड फंगाई आर ग्रुप इन थैलोफाइटा। एल्गी और फंगाई को थैलोफाइटा में ग्रुप किया जाता है। रीजन है, एल्गी एंड फंगाई सो नो डिफ्रेंसिएशन इन थैलस। एल्गी और फंगाई उनके थैलस वाले स्ट्रक्चर में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर टू, एसर्शन। क्लोरेला कुड बी यूटिलाइज्ड टू कीप द एयर प्योर इन स्पेस व्हीकल्स। क्लोरेला का इस्तेमाल स्पेस व्हीकल्स में एयर को प्योर रखने के लिए किया जाता है। रीजन, द स्पेस ट्रेवलर्स फीड ऑन क्लोरेला सूप। स्पेस के जो ट्रेवलर्स होते हैं वे क्लोरेला सूप पे ही निर्भर रहते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एसर्शन। मेंबर्स ऑफ फियोफाइसिया वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। रीजन, फियोफाइसिया पोजिज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कार्टिनॉइड्स एंड जेंटोफिल्स। यह क्वेश्चन एम्स 2006 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर फोर, एसर्शन। रोडोफाइटा इज रेड इन कलर ड्यू टू एबंडेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर फाइकोरिथ्रिन। रोडोफाइटा जो होते हैं वे रेड कलर के होते हैं क्योंकि उनके अंदर आर फाइकोरिथ्रिन पर्याप्त मात्रा में बनती है। रीजन, आर फाइकोरिथ्रिन इज एबल टू एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट रेड कलर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसर्शन भी सही है, रीजन भी एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एसर्शन। द कलर ऑफ ब्राउन एल्गी वेरीज फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। रीजन, इन ब्राउन एल्गी फ्यूकोजेंथिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर वेरिएशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एसर्शन सही है, रीजन भी सही है लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एसर्शन। प्लांट बॉडी इज यूजुअली ग्रास ग्रीन इन कलर इन क्लोरोफाइसिया। प्लांट क्लोरोफाइसिया में प्लांट की जो बॉडी होती है सामान्यतः ग्रास ग्रीन कलर की होती है। रीजन, मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसिया पोजिज क्लोरोफिल ए, सी, कार्टिनॉइड्स एंड जेंटोफिल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर सेवन, एसर्शन। क्लोरेला एंड स्पायरोलिना आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर्स। को क्लोरेला और स्पायरोलिना का स्पेस ट्रेवलर्स द्वारा फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रीजन, दीज आर यूनिसेलुलर एल्गी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिसेलुलर एल्गी हैं और एसर्शन भी सही है लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर एट, एसर्शन। इच ग्रुप ऑफ एल्गी सो प्रीडोमिनेंस ऑफ वन पिगमेंट। एल्गी की जो प्रत्येक ग्रुप है उनमें आपको एक जो पिगमेंट है वो डोमिनेंट देखने को मिलता है और उसी के बेसिस पे एल्गी को क्लासिफाई भी किया गया है। रीजन, द एल्गी आर क्लासिफाइड ऑन दिस बेसिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, एसर्शन। वनली रेड एल्गी आर एबल टू फ्लोरिश एट द ग्रेट ग्रेट डेप्थ ऑफ सी। केवल रेड एल्गी ही समुद्र की ज़्यादा गहराई में रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। रीजन, रेड एल्गी हैज द पिगमेंट आर फाइकोरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। क्योंकि रेड एल्गी के पास आर फाइकोरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट है
ऑप्शन आंसर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि इनके पास आल्फाइकोरिथिन और आल्फाइकोसाइनिन पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से ए रेड लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर पाते हैं और वहाँ पे भी सर्वाइव कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन, कार्पोगोनियम ऑफ रेड एल्गी बियर्स ट्राइकोगाइन। रेड एल्गी का जो कार्पोगोनियम होता है उस पर ट्राइकोगाइन पाए जाते हैं। रीजन, ट्राइकोगाइन हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन, स्पायरोगायरा इज स्लिपरी टू टच। स्पायरोगायरा को अगर हम टच करते हैं तो स्लिपरी होता है। रीजन, स्पायरोगायरा कंसिस्ट ऑफ अ ग्लैटिनस शीथ, क्योंकि स्पायरोगायरा के ऊपर एक ग्लैटिन की बनी हुई शीथ होती है, इस वजह से वह स्मूथ होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 असर्शन, आइसोगैमी इज अ प्रीमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजन, द गैमेट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेज। तो असर्शन तो सही है, आइसोगैमी प्रीमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पे रीजन गलत है क्योंकि आइसोगैमी में जो गैमेट्स होते हैं वे सिमिलर होते हैं, सेम साइज के होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन, क्लोरेला कुड सर्व एज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी। क्लोरेला को हम फूड और एनर्जी के एक पोटेंशियल सोर्स के रूप में सर्व कर सकते हैं, मान सकते हैं। रीजन, क्लोरेला फेन ड्राइड, जब क्लोरेला को सुखा दिया जाता है इसमें 15% प्रोटीन होता है, 45% फैट होता है, 10% कार्बोहाइड्रेट होता है, 20% फाइबर होता है और 10% मिनरल और विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, क्योंकि क्लोरेला को जब सुखा दिया जाता है तो उसके अंदर 45% प्रोटीन होता है, 20% फैट होता है, 20% कार्बोहाइड्रेट होता है, 5% फाइबर होता है और 10% मिनरल और विटामिन होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 स्पायरोगायरा सोच हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। रीजन, जायगोटिक मियोसिस अकर्स इन स्पायरोगायरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन, रेड एल्गी कंट्रीब्यूट्स इन प्रोड्यूसिंग कोरल रीफ। रेड एल्गी कोरल रीफ को प्रोड्यूस करने में अपनी भूमिका निभाती है। रीजन, सम रेड एल्गी सेक्रेट एंड डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दियर वाल, क्योंकि कुछ रेड एल्गी उनके वाल पे कैल्शियम कार्बोनेट को सेक्रेट करती हैं और डिपॉजिट कर देती हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यह क्वेश्चन एम्स 2004 एंड एम्स 2011 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन, इन रोडोफाइसिया द सिल्वाल इज मेड ऑफ सेलुलोज। रोडोफाइसिया में सिल्वाल सेलुलोज का बना होता है। रीजन, द फ्लैजेला नंबर इज 2 इन क्लास रोडोफाइसिया। क्लास रोडोफाइसिया में फ्लैजेला का संख्या केवल 2 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन, रेड एल्गी कंट्रीब्यूट्स इन प्रोड्यूसिंग कोरल रीफ्स। रीजन, सम रेड एल्गी सेक्रेट एंड डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट ओवर दियर वॉल्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 असर्शन, ओनली इन आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन एल्गी। एल्गी के अंदर हमें केवल इन आइसोगैमस टाइप का ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। रीजन, गैमेट्स कैन नेवर बी नॉन फ्लैजेलेटेड इन एल्गी, क्योंकि एल्गी के अंदर जो गैमेट्स होते हैं कभी भी नॉन फ्लैजेलेटेड नहीं होते हैं, हमेशा फ्लैजेलेटेड होते हैं। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन, द पेरिस्टोम इज अ फ्रिंज ऑफ टीथ लाइक प्रोजेक्शंस फाउंड एट द माउथ ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल के माउथ पे फ्रिंज प्रेजेंट होते हैं जो कि टीथ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उन्हें पेरिस्टोम कहा जाता है। रीजन, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, नेमाटोडोंटस एंड ऑर्थोडोंटस, क्योंकि ये दो तरह के हो सकते हैं, नेमाटोडोंटस और ऑर्थोडोंटस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन,
मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मॉसेस का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रीजन दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाई फॉर्मिंग डेंस मैट ऑन द सॉइल, क्योंकि सॉइल के ऊपर एक मोटी सी मैट बना करके सॉइल इरोजन को रोकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेन जो रीजन होता है ये होता है कि जो मॉस और लाइकेंस होते हैं ये अर्थ पे जो नई मिट्टी बनती है, ठीक है, उसको बनाने में इनका ग्रेट इकोलॉजिकल रोल होता है। जहाँ भी स्टोन होता है वहाँ पे कॉलोनाइज करते हैं और फिर उसे सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, रॉक को डिकम्पोज करके सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन, मॉसेस आर इवॉल्व फ्रॉम एल्गी, मॉसेस जो हैं एल्गी से इवॉल्व हुए हैं, उनकी उत्पत्ति, उनका जो इवोल्यूशन हुआ है एल्गी से हुआ है। रीजन प्रोटोनियम नोमा नेमा ऑफ मॉसेस इज सिमिलर टू सम ग्रीन एल्गी, मॉसेस का जो प्रोटोनेमा है वह कुछ ग्रीन एल्गी के समान होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन, इन मॉसेस स्पोर्स आर कंटेन्ड विद इन द कैप्सूल, मॉसेस में जो स्पोर्स होते हैं वे कैप्सूल के अंदर पैक्ड होते हैं। रीजन द स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाई माइटोटिक डिवीजन इन मॉसेस, क्योंकि मॉसेस में जो स्पोर्स होते हैं वे माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बनते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन है इन मॉसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनोमा, द जायगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड कंसिस्ट ऑफ अ फूड सेटा एंड कैप्सूल, द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट एज कंपेयर टू दैट इन लिवरवर्ट्स, द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस एंड डेवलप इनटू न्यू गैमेटोफाइट, मियोसिस के द्वारा बनते हैं न कि मियोटिक के द्वारा बनते हैं, माइटोटिक के द्वारा ना बन करके मियोसिस से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, असर्शन, ब्रायोफाइट्स आर क्लेम टू बी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ब्रायोफाइट्स को टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी कहा जाता है। रीजन दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ वाटर ऑन द सॉइल सरफेस फॉर देयर एग्जिस्टेंस, क्योंकि उन्हें अपने एग्जिस्टेंस के लिए सॉइल के सरफेस से ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, वाटर की एक एक्स्ट्रा लेयर की जरूरत पड़ती है। तो 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एसर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेक्योफाइट्स हैव एन एम्ब्रायो स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट्स और ट्रेक्योफाइट्स के लाइफ साइकिल में एक एम्ब्रायो स्टेज भी होता है। रीजन है एम्ब्रायोफाइटा आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, क्योंकि एम्ब्रायोफाइटा जो होते हैं वे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है, अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। एसर्शन, द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर जेक्टेड, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वे जेक्टेड होते हैं। रीजन ब्रायोफाइट्स आर लैंड प्लांट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स लैंड प्लांट्स हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन, ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली लैंड ड्वेलर्स, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं मोस्टली लैंड ड्वेलर्स हैं, लैंड पे पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। रीजन वाटर इज नेसेसरी टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, मेजॉरिटी ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर लैंड ड्वेलर्स एंड इनहेबिट डैम सेडेड एंड ह्यूमिड लोकेलिटीज, अ फ्यू ऑफ देम लिव इन और फ्लोट ऑन वाटर, द ब्रायोफाइट्स कैन नॉट कैरी ऑन देयर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज विदाउट सफिशियंट मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 27, असर्शन, द ब्रायोफाइट्स एग्जिस्ट इन टू फेजेज, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट्स दो फेज में प्रेजेंट होते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में। रीजन द स्पोरोफाइट इज न्यूट्रिशनली
इंडिपेंडेंट, क्योंकि स्पोरोफाइट न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। ब्रायोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट होता है वह न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन, ब्रायोफाइट्स अनलाइक थैलोफाइट्स सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। ब्रायोफाइट्स थैलोफाइट्स से थोड़ा अलग शो करते हैं कैरेक्टर, इनके अंदर एम्ब्रायो फॉर्मेशन देखने को मिलता है। रीजन, द एम्ब्रायो गिव्स राइज टू गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्योंकि एम्ब्रायो से ही ब्रायोफाइट्स के गैमेटोफाइट्स बनते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन, आर्सिगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्सिगोनियम होता है। रीजन, एल्गी आल्सो पोजेस द आर्सिगोनियम, क्योंकि एल्गी में भी आर्सिगोनियम पाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रायोफाइट हैज एन इंडिपेंडेंट एम्ब्रायो। ब्रायोफाइट के पास एक स्वतंत्र एम्ब्रायो होता है। रीजन, द जायगोट ऑफ थैलोफाइट इज डिपेंडेंट, क्योंकि थैलोफाइट का जो जायगोट होता है वह डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एसर्शन भी सही गलत है, रीजन भी गलत है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो इन ब्रायोफाइट्स द जायगोट ऑन जर्मिनेशन डज नॉट प्रोड्यूस द गैमेटोफाइटिक प्लांट, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जायगोट जर्मिनेट करने पे गैमेटोफाइटिक प्लांट को नहीं प्रोड्यूस करता है। इट अंडरगोस सेगमेंटेशन टू फॉर्म एन एम्ब्रायो, बट द एम्ब्रायो फॉर्मेशन एंड इट्स डेवलपमेंट टू स्पोरोगोनियम एंड स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट प्लांट एज द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। दे ऑर्गेनिकली रिमेन अटैच टू द गैमेटोफाइटिक प्लांट। इन एल्गी द जायगोट इज इंडिपेंडेंट एंड इट डज नॉट फॉर्म द स्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 31, असर्शन, लीवर वर्ट्स फेल टू स्प्रेड टू अ न्यू लोकेलिटी थ्रू फ्रेगमेंटेशन। लीवर वर्ट्स फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एक नई जगह पे नहीं पहुंच पाते, असफल होते हैं। रीजन, जिम्मा आर हेल्पफुल इन प्रोपोगेटिंग लीवर वर्ट्स इन डिफरेंट लोकेलिटी, क्योंकि उनके अंदर जो जिम्मा प्रेजेंट होता है वह उन्हें अलग लोकेलिटी तक फैलने में पहुँचने में मदद करता है। तो 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन, स्पर्म्स ऑफ रिक्सिया आर बाईफ्लैजेलेट। रिक्सिया के जो स्पर्म्स होते हैं वे बाईफ्लैजेलेट होते हैं। रीजन, द स्पर्म्स कैन स्विम, और स्पर्म्स क्योंकि जो स्पर्म है वे स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं, इसलिए बाईफ्लैजेलेट होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, असर्शन, एमंग द लीवर बर्ड्स द स्पोरोगोनियम ऑफ रिस्किया इज द सिंपलेस्ट। लीवर वर्ड्स के अंदर रिस्किया का जो स्पोरोगोनियम होता है वह सबसे सिंपल होता है। रीजन, स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ कैप्सूल ओनली, क्योंकि स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, असर्शन, इन फ्यूनेरिया द यंग स्टेम इज फोटोसिंथेटिक। फ्यूनेरिया के अंदर जो यंग स्टेम होता है वह फोटोसिंथेटिक होता है। रीजन, इट कंटेंस हाइड्रोइड्स, क्योंकि उसमें हाइड्रोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है। द कॉर्टिकल सेल्स इन यंग स्टेम्स ऑफ फ्यूनेरिया कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड दस दे आर फोटोसिंथेटिक। द सेंट्रल सिलेंडर फॉर्म्स द कोर ऑफ द स्टेम। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकली इलांगेटेड थिन वॉल्ड नैरो कॉम्पैक्ट क्लियरेंस सेल्स लैकिंग प्रोटोप्लाज्म। दिस थिन वॉल्ड इलांगेट डेड सेल्स विथ नॉन लिग्निफाइड वॉल्स आर कॉमनली कॉल्ड एज हाइड्रोइड्स। क्वेश्चन नंबर 35, असर्शन, फ्यूनेरिया मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली बाई मीन्स ऑफ बल्बिल्स। रीजन, बल्बिल्स एंड ट्यूबर्स आर टू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। बल्बिल्स और ट्यूबर्स एक अलग दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। बिकॉज चलिए मैं आपको सोल्यूशन समझाता हूँ। इन सब मॉसेस, कुछ मॉसेस में द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल अंडरग्राउंड रेस्टिंग बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ट्यूबर्स हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड। उनके अंदर छोटे से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबर्स का फॉर्मेशन देखा गया है। फॉर्मली दीज अंडरग्राउंड बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर कॉल्ड द बल्बिल्स। आगे इन्हें अंडरग्राउंड बर्ड लाइक स्ट्रक्चर को ही बल्बिल कहा जाने लगा। द ट्यूबर्स डेवलप सिंगली ऑन स्टेम लीव्स एंड राइजॉइड्स एज स्मॉल स्फेरिकल स्टोरेज ऑर्गन्स कंटेनिंग स्टार्च।
दिस सर्व एज मीन्स ऑफ प्रिवेंशन एंड इनेबल द प्लांट टू सर्वाइव ओवर पीरियड्स अनफेवरेबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 36, असर्शन इन फ्यूनेरिया जिम्मा फॉर्मेशन अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। फ्यूनेरिया के अंदर जिम्मा फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में ही होता है। रीजन द जिम्मा फॉर्म ऑन द स्टोम स्टेम एंड लिप्स, क्योंकि जिम्मा जो होते हैं स्टेम और लिप्स दोनों जगहों पे बनते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, असर्शन इन फ्यूनेरिया इज फ्यूनेरिया मोनोसियस रीजन क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फ्यूनेरिया, क्योंकि फ्यूनेरिया में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, असर्शन इन फ्यूनेरिया द इंथेरिडिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस। फ्यूनेरिया में जो इंथेरिडिया होते हैं वे सरफेस से बाहर निकलते हैं। रीजन इट्स एंथेरिडियल क्लस्टर इज सराउंडेड बाई पेरिगोनियल लिप्स, क्योंकि इसका जो इंथेरिडियल क्लस्टर होता है वह पेरिगोनियल लिप्स से घिरा हुआ होता है। यहाँ पे भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसर्शन सही है, लेकिन रीजन भी सही है, लेकिन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, असर्शन मॉसेस आर यूज एज इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। रीजन दे एब्जॉर्ब मेटल्स, मॉसेस पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं क्योंकि ये मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रबलिंग एंड टेलर सो दैट एयर डाइड मॉसेस कैन एब्जॉर्ब मेटल्स। द एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल कैटायंस इन मॉसेस enables them to be used as pollution indicators. Question number 40, assertion bryophytes and pteridophytes contain well developed enteridia. Region biflagellate sperms are formed by their enteridia. Bryophytes or pteridophytes में well developed enteridia होते हैं क्योंकि biflagellate sperm जो होते हैं वे इनके enteridia पर ही बनते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, assertion और region दोनों गलत हैं। In bryophytes enteridia are well developed and often possess a stalk. In pteridophytes, enteridia are less developed and are generally divided up a stalk. Pteridophytes have multiflagellate sperm formed from endocyte cell of enteridium. Bryophytes have biflagellate sperm. Question number 41, assertion. In liverworts, both male and female sex organs may be present on same thalli or different thalli. लीवरवर्ट्स में मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वे एक ही थैली पे हो सकते हैं या अलग अलग पे हो सकते हैं। रीजन स्पोरोफाइट इज फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट विच इज अनडिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सेटा एंड कैप्सूल, क्योंकि स्पोरोफाइट जो होता है वह जाइगोट से बनता है जो कि फूड सेटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एसर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, असर्शन ब्रायोफाइट्स आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहा जाता है। रीजन दे आर फाउंड इन स्वैम्स एंड द एरियाज वेयर लैंड एंड वाटर मीट। ऐसे उन इलाकों में मिलते हैं जहाँ पे स्वैम्स वाले इलाके में जहाँ पे पानी और वाटर एक साथ मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, असर्शन जाइगोट प्रोड्यूसेस अ मल्टी सोलर स्पोरोफाइट इन टेडोफाइट्स। जाइगोट जो होते हैं टेडोफाइट्स के अंदर मल्टी सोलर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। रीजन द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ टेडोफाइट्स इज स्पोरोफाइट, क्योंकि टेडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होता है वह स्पोरोफाइट ही होता है। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, एसर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, असर्शन सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया आर होमोस्पोरस। सिलेजिनेला और सेल्विनिया दोनों होमोस्पोरस हैं। रीजन इन सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एसर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। सिलेजिनेला और सेल्विनिया हेटरोस्पोरस हैं और सिलेजिनेला और सेल्विनिया में अलग अलग प्रकार की स्पोर्स प्रोड्यूस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, असर्शन द सोरस ऑफ टेरिडियम इज ऑफ कोइनोसोरस टाइप। रीजन टेरिडियम लैक्स सोरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, असर्शन सोइनोसोरस लैक्स ट्रू इंडुसिज्म। रीजन इंडुसिज्म कवर्स सोरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंडुसिज्म इज अ
a membranous epidermal outgrowth covering the sori in some ferns. The coenosaurus is surrounded by two bale formed in inducial lips between which the receptacle lies. The outer inducial lip is well developed and is formed by the reflexed margin of the pineal which overlaps the coenosaurus and its sporangia. This is commonly called the first indusis. Question number 47. Assertion. The scales which cover young rhizome and leaves of Dryopteris are called ramenta. वे स्केल्स जो यंग राइजोम और ड्राइप्टेरिस के लिप्स को कवर करते हैं उन्हें रेमेंटा कहा जाता है. रीजन टेरिडियम लैक्स रेमेंटा, क्योंकि टेरिडियम में रेमेंटा नहीं होता. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी. दोनों चीज़ें सही हैं, एसर्शन रीजन, लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 48. असर्शन. द स्केल लिप्स प्रेजेंट ऑन द लॉन्ग शूट्स आर कॉल्ड कैटाफिल्स. वे स्केल लिप्स जो कि लॉन्ग लंबे शूट्स पे प्रेजेंट होती हैं उन्हें कैटाफिल्स कहा जाता है. रीजन कैटाफिल्स लाइक मिडरिप, क्योंकि कैटाफिल्स में मिडरिप प्रेजेंट नहीं होता है. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. द स्केल लिप्स आर प्रेजेंट बोथ ऑन द लॉन्ग एंड ऑफ ब्रांचेस. दे फॉल ऑफ एज द ब्रांचेज मेच्योर. द स्केल लिप्स ऑन द डॉर्फ शूट्स आर कॉल्ड द कैटाफिल्स एंड पोजेज अ डिस्टिंक्ट मिडरिप. क्वेश्चन नंबर 49. असर्शन. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन फंड्स. फन के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दौरान वाटर की आवश्यकता पड़ती है. रीजन मैलिक एसिड ऑफ आर्चिगोनियल नेक अट्रैक्ट्स एंथेरोजॉइट, क्योंकि आर्चिगोनियल नेक का जो मैलिक एसिड होता है वह एंथेरोजॉइट्स को अट्रैक्ट करता है. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है. फंड्स में फर्टिलाइजेशन सामान्यतः प्रोथैली के पास होता है और ये जो रीजन है ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे मैलिक एसिड जो होता है केमिकल सब्सटेंस वह पॉजिटिव क्यूमोटैक्सिस टैक्सिस के द्वारा फ्री स्विमिंग एंथेरोजॉइट रिजॉइट्स को अट्रैक्ट करता है. दैट पेनिट्रेट द नेक, जो कि नेक में पेनिट्रेट करता है और ओवम तक पहुँच जाता है. तो रीजन जो दिया गया है वो गलत है. क्वेश्चन नंबर 50. असर्शन. स्पोरोफाइट्स ऑफ टेडोफाइटा आर डोमिनेंट इंडिविजुअल्स. टेडोफाइटा के जो स्पोरोफाइट्स हैं वे डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं. रीजन दे डू नॉट शो द फॉर्मेशन ऑफ टू रूट, क्योंकि वे असली रूट के फॉर्मेशन को शो नहीं करते, उनमें असली रूट का निर्माण नहीं देखा जाता है. तो 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है. इन द टेडोफाइट्स द स्पोरोफाइट गेन्स फिजियोलॉजिकल इंडिपेंडेंस एंड डेवलप्स इनटू द डोमिनेंट टिपिकली फोटोसिंथेटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल. इट इज ऑर्गेनाइज इनटू स्टेम लीव्स एंड रूट्स. साइलोफाइटा और टेडोफाइटिक फाइट डिवीजन लैग टू रूट्स. क्वेश्चन नंबर 51. असर्शन. एडियंटम कॉर्डाटम इज कॉल्ड वॉकिंग फर्न. रीजन इट कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीफ टिप्स, क्योंकि अपने लीफ टिप्स के द्वारा रिप्रोड्यूस कर सकता है. असर्शन सही लेकिन रीजन गलत है. ऑप्शन सी. लीफ टिप्स ऑफ एडियंटम कॉर्डाटम डेवलप एडवांटेजियस बड्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. लीफ टिप व्हेन रीचेस द ग्राउंड डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट. Therefore, it appears that the plant is walking. Question number 52. Pinus displays the alternation of generation. Pinus alternation of generation को शो करता है. Region, the gametophyte is dependent upon the sporophytic phase. क्योंकि जो gametophyte होता है वह sporophytic phase के ऊपर निर्भर होता है. 52 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. एसर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. Pinus show alternation of generations. The sporophyte phase is of long duration and is represented by the huge pine tree which bears the staminate and ovulate cones. Since meiotic divisions occur at the same time of the differentiation of the pollen grains and megaspores. Question number 53. Assertion. Conifer trees produce a large quantity of wind-borne pollen grains. Region. The pollen grains have wings. So, yahan pe correct answer hoga option A. यह क्वेश्चन एम्स 2007 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. क्वेश्चन नंबर 54. असर्शन. जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट. रीजन ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर इंक्लूड विद इन द ओरिज. जिम्नोस्पर्म फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं. रीजन है जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल्स होते हैं वे ओवरी के अंदर इंक्लूड होते हैं, पैक्ड होते हैं. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, क्योंकि जो ओव्यूल्स के जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वे नेकेड होते हैं, वे ओवरी के अंदर पैक्ड नहीं होते हैं.
इसलिए जिम्नोस्पर्म के अंदर नेकेड सीड होता है। क्वेश्चन नंबर 55, असर्शन गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट इन डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। गैमेटोफाइट जो होता है वह डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट होता है। रीजन, इन डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल फ्री लिविंग स्पोरोफाइट इज एब्सेंट, क्योंकि डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल में फ्री लिविंग स्पोरोफाइट एब्सेंट होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट गैमेटोफाइट इन डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज रिटेन्ड विद इन स्पोरेंजिया। क्वेश्चन नंबर 56, असर्शन इन जिम्नोस्पर्म्स स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स। जिम्नोस्पर्म में स्टोमेटा जो होते हैं लिप्स के सरफेस पाए जाते हैं। रीजन, कुटिकल ऑफ लिप्स इज थिन इन जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो लिप्स की कुटिकल होती है वो बहुत ही थिन होती है। तो यहाँ पे करने से होगा ऑप्शन डी, इन जिम्नोस्पर्म द लिप्स आर वेल एडाप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। द नीडल लाइक लिप्स रिड्यूस द सर्फेस एरिया, दियर थिक कोटिकल एंड संकिन स्टोमेटा हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस। क्वेश्चन नंबर 57, असर्शन पाइनस शोज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। रीजन, द गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइटिक फेज। गैमेटोफाइट जो होता है वह स्पोरोफाइट पे निर्भर होता है। यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, असर्शन पाइनस एम्ब्रायो हैज मिनी कोटिलेडन। रीजन, इट्स शोज प्लाई पॉलीएम्ब्रानी। पाइनस के एम्ब्रायो में ढेर सारे कोटिलेडन होते हैं, पॉलीएम्ब्रानी को शो करता है। असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 59, असर्शन द फीमेल कोन्स टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मेच्योर। रीजन, द सीड्स आर सेड व्हेन द कोन इज 20 मंथ्स ओल्ड। फीमेल कोन्स बहुत ही लंबा समय लेते हैं मेच्योर होने में, क्योंकि जो सीड्स होती हैं वे 20 मंथ ओल्ड कोन में ही सीड होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द ओविलेट आर फीमेल कोन्स टेक अबाउट 3 ईयर्स टू मेच्योर। द मेच्योर कोन्स आर हार्ड वुडी एंड वेरी लार्ज इन साइज। मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फीमेल कोन ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ अबाउट 13 मंथ्स बिटवीन पॉलिनेशन एंड द एक्चुअल एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 60, असर्शन द फीमेल कोन्स आर सेम इन नंबर एज द मेल कोन्स। फीमेल कोन्स भी संख्या में उतनी होती हैं जितने की मेल कोन्स होते हैं। रीजन, मेल एंड फीमेल कोन्स अपियर अल्टरनेटली ऑन द सेम ब्रांच ऑफ द पाइनस। क्योंकि मेल और फीमेल कोन्स अल्टरनेटली पाइनस के एक ही ब्रांच पे देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, असर्शन रीजन दोनों गलत हैं। फीमेल कोन्स आर ओविलेट कोन्स आर लेस इन नंबर एंड अराइज एज अ सिंगल और इन अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ 2 to 4 ईच एज अ बर्ड इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ स्केन लीफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नेक्स्ट रूट्स ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ विच डू नॉट बियर द मेल कोन्स। क्वेश्चन नंबर 61, असर्शन पाइनस इज मोनोसियस। रीजन, इच स्पोरोफाइल बियर्स ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 62, असर्शन द मेसोफिल ऑफ पाइनस शोज नो डिस्टिंक्शन एज मेसोफिल एंड पैलिसिड। पाइनस की जो मेसोफिल होती है वहाँ पे मेसोफिल सेल और पैलिसिड सेल में कोई अलगाव देखने को नहीं मिलता है। रीजन, पैरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन मेसोफिल ऑफ पाइनस। क्योंकि जो पाइनस का मेसोफिल होता है वहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असर्शन सही लेकिन रीजन गलत है। द पैरेन्काइमेटस मेसोफिल इज प्रेजेंट विद इन द हाइपोडर्मिस ऑफ पाइनस लीफ। इट इज कॉम्पैक्ट एंड शोज नो डिफरेंशिएशन इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज। इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स विच कंटेन न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट एंड अबंडेंट स्टार्च। द मेसोफिल दस फंक्शन एज द क्लोरोफिल बेयरिंग टिश्यू विच मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 63, असर्शन पाइनस शोज फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। रीजन, इज ग्रोज इन एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, असर्शन इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स लैक वेल डेवलप्ड वेसल्स एंड फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म में वेल डेवलप्ड वेसल और फाइबर नहीं होते हैं। रीजन, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। इन जिम्नोस्पर्म जाइलम लैक्स ट्रू वेसल्स एंड रूट फाइबर्स। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रकेट्स दैट आर अरेंज इन यूनिफॉर्म रेडियल रोज एंड जैलम पैरेन्काइमा ओनली। द फ्लोएम कंटेन्स सिव ट्यूब्स एंड पैरेन्काइमा सेल्स देयर आर नो कंपेनियन सेल्स। 65, असर्शन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड। रीजन, दे लैक ओवरी वॉल।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 असर्शन, पाइनस एज ए पिरामिडल अपीयरेंस रीजन द ओल्डर पार्ट्स ऑफ लॉन्ग सूट हैव स्कार्स ऑफ फॉलन ड्वार्फ शूट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।